द केरला स्टोरी का ट्रेलर रिलीज हो गया। यह फिल्म 32,000 हिंदू लड़कियों के गायब होने की कहानी है। इस फिल्म को प्रोड्यूस विपुल अमृतपाल शाह ने किया, वहीं इस फिल्म का डायरेक्शन सुदीप्तो सैन ने किया और अदा शर्मा इस फिल्म के लीड रोल में है, जिनको आपने कमांडो और 1920 हॉरर मूवी में देखा होगा। इस फिल्म में दावा किया गया है कि हजारों की संख्या में केरल की लड़कियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया और उन्हें ISIS का आतंकवादी बनने पर मजबूर किया गया। कुछ महीने पहले जब द केरल स्टोरी का टीजर रिलीज किया गया था तो काफी बवाल हुआ था। ट्रेलर रिलीज होने के बाद एक बार फिर फिल्म पर चर्चा हो रही है। इस फिल्म में अदा शर्मा के रोल का नाम शालिनी उन्नीकृष्णन है। ट्रेलर के शुरुआत में पुलिस वाला उनसे एक सवाल पूछता है कि तुमने ISIS कब ज्वाइन किया। जवाब में शालिनी ने कहा कि ISIS कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है। ट्रेलर के शुरुआत में शालिनी यानी अदा शर्मा के साथ तीन लड़कियां नजर आती है, दो हिंदू एक मुस्लिम। उनकी मुस्लिम दोस्त उन्हें अल्लाह ही सच्चा ईश्वर है ये बताती है। यूं समझ लीजिए कि धर्म परिवर्तन की झलक दिखाई देती है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। इसके बाद शालिनी और उसकी सहेलियों के साथ कुछ लड़के मॉल में उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। इसके बाद शालिनी की मुस्लिम दोस्त कहती है कि जो लड़कियां हिजाब पहनती है उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होता। धीरे धीरे शालिनी को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए ब्रेन वॉश किया जाता है और वो शालिनी उन्नीकृष्णन से फातिमा बनकर एक मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती है। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है। शालिनी उन्नीकृष्णन अब फातिमा बन चुकी होती है और वहीं ट्रेलर में दिखाया जाता है कि शालिनी रेगिस्तान में फंस जाती है आतंकवादियों के बीच। आखिर में शालिनी कहती है कि रेगिस्तान में उसके जैसी हजारों लड़कियां हैं। ट्रेलर में औरतों को जंजीरों से बांधते, उन्हें मारते पीटते और उनकी हत्या भी दिखाई गई है। फिल्म के मेकर्स का दावा है कि ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। 3 नवंबर 2022 को फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था। टीजर में ये दावा किया गया था कि केरल में मासूम लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। टीजर रिलीज के बाद ही काफी बवाल हुआ था और इस धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इस फिल्म की कहानी को मनगढ़ंत बताया था। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। इस फिल्म के ट्रेलर को सोशल मीडिया यूजर्स ने कई तरह के रिएक्शन भी दिए हैं और कई लोग इस फिल्म को लेकर काफी सपोर्टिंग भी नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस फिल्म से धर्म परिवर्तन में कमी आएगी और लड़कियां इनका शिकार होने से बच सकेंगी। केरला स्टोरी ये उस वर्ग को एक तमाचा है जो हमेशा से हिंदू धर्म की बेटियों के साथ बलात्कार करता है और बलात्कार करने के बाद ये कहता है कि 72 हूर मिल जाएंगे। लेकिन एक तबका ऐसा है जो इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहा है और फिल्म को ना देखने की सलाह दे रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये फिल्म 5 मई को रिलीज होने जा रही है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।